बड़ी ईद पर रिलीज होने वाली दो फिल्मों के दरमियान बड़ा मुकाबला, कौन सी फिल्म हिट होगी? हसनैन जमील के मुताबिक ये बहुत ही खुशी का मौका है कि पिछले दो सालों में कोरोना वबा ने जिस तरह पूरी दुनिया को मुतासिर किया, अब वो बवाल खत्म हो चुका है। दुनिया भर में नॉर्मल जिंदगी शुरू हो चुकी है, दुनिया के मौज मेले फिर शुरू हो चुके हैं, खेल के मैदान आबाद हो गए, शायकीन जोक दर जोक स्टेडियम में आते हैं। इसी तरह सिनेमा घरों और थिएटर भी आबाद हो चुके हैं। बदकिस्मती से हमारा सिनेमा कोरोना वबा से पहले एक और वबा का शिकार होकर जवाल पजीर था, वो वबा जहालत और हुकूमती अदम सरपरस्ती की थी। पिछले चंद सालों में कराची के पढ़े लिखे नौजवानों ने पाकिस्तान के सिनेमा को फिर से आबाद करने की जो जद्दोजहद शुरू की, से कोरोना काल के दो सालों में शदीद नुकसान पहुंचा, मगर अब फिर ये जद्दोजहद शुरू हो गई है। ईद उल फितर पर फिल्में रिलीज हुई और अब ईद उल अजहा पर भी फिल्में रिलीज हो रही हैं। इस बड़ी ईद पर जो बड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है वो दो फिल्मों के दरमियान है, एक लंदन नहीं जाऊँगा और दूसरी कैद आजम जिंदाबाद है। लंदन नहीं जाऊँगा की जो तकून है वो पाकिस्तान की फिल्म और सिनेमा की सबसे कामयाब तकून है। सुपरस्टार हुमायूं सईद, हिदायतकार नदीम बैग, कलमकार खलीलुर रहमान कमर, और जब खलीलुर रहमान कमर का नाम लिखा जाएगा तो लफ्ज और के साथ लिखा जाएगा कि वो पाकिस्तान के वाहिद लिखारी हैं जो बैक वक्त टेलीविजन और फिल्मों दोनों में कामयाब हुई हैं। इससे पहले टेलीविजन और फिल्मों के राइटर अलग अलग होते थे, जैसे टेलीविजन के अमजद इस्लाम अमजद, फातमा सूरिया बजिया और फिल्म के नासिर अदीब रियाज शाहिद, मगर खलीलुर रहमान कमर ने ये रविश भी बदल दी है। हिदायतकार नदीम बैग जवानी फिर नहीं आनी, ए वन टू और पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुकी हैं, ये उनकी चौथी फिल्म है। हुमायूं सईद भी बैक वक्त टेलीविजन और फिल्मों में यकसा मकबूल तरीन है। उन्होंने ये रिवायत डाली है कि कोई भी हीरो बैक वक्त टेलीविजन और फिल्मों में नंबर वन हो सकता है। इस फिल्म की हीरोइन में भी शयात हैं। दूसरी फिल्म कैद आजम जिंदाबाद है, जो राइटर और डायरेक्टर नबील कुरेश और हीरो फहद मुस्तफ़ा की कामयाबी का तसलसल साबित हो सकती है। इससे पहले ये दोनों नामालूम अफराद वन, एक्टर इन ला और लोड वेडिंग जैसी कामयाब फिल्में बना चुके हैं। इस बार इनके साथ मायरा खान भी हैं। कैद आजम जिंदाबाद रोहित शेट्टी स्टाइल की पहली पाकिस्तानी फिल्म है। हरफ आखिर हीरो हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, हीरोइन मायरा खान, महविश हयात और हिदायतकार नदीम बैग और नबील कुरैशी का टकराव बड़ी ईद का बड़ा मुकाबला साबित हो सकता है। इन दोनों फिल्मों का वाहिद फर्क खलीलुर रहमान कमर साबित हो सकते हैं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।